नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं धरती पर राज करने वाले पांच प्राचीन जानवर को दिखाने वाला हूँ, जिसका डर आज भी लोगों के दिलों में बना हुआ है। कुछ लोग आज भी इस जानवर को देखने का वादा करते हैं, पर सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शायद आप भी किसी मूवी में इस जानवर को जरूर देखे होंगे। येती। येती का दूसरा नाम हिम दानव है। भारतीय सेना द्वारा हिमालय पर्वत पर येती को देखने का वादा किया जाता है। येती भालू नस्ल का एक विशाल जानवर है, जिसका शक्ल बंदरों जैसा होता है। येती इंसानों की तरह दो पैरों पर चल सकता है। ये दानव पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर पाया जाता है। सबसे पहले 1925 ईस्वी में इसके बारे में पता चला था। कुछ पर्वतारोहियों ने इसके पैर के निशानों को कैमरे में कैप्चर किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर प्राचीन समय के अनुसार देखा जाए तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब सिंधु घाटी को जीता था, तब येती को देखने की इच्छा जताई थी। जर्सी डेविल। जर्सी डेविल एक भयानक सा दिखने वाला जानवर है। कहा जाता है कि जर्सी डेविल का चेहरा घोड़े जैसा होता है। जर्सी डेविल येती की तरह ही दो पैरों पे चल सकता है। इसके पीठ पे एक बड़ा सा पंख होता है, जो बिल्कुल चमगादड़ के पंख जैसा होता है। इस भयानक से जीव को आंखें लाल रोशनी में चमकती है, जो दूर से दिखाई देती है। बीते 100 सालों में इस जानवर को कम से कम 2000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये जानवर पाइन बार्नस के इलाकों में देखा गया है, जो जानवरों का शिकार करता है। 2015 में जंगल से गुजर रहे एक कार चालक ने इसकी फोटो ली थी, जो हवा में उड़ रहा था। चुपा काबरा। इस जानवर को बकरी का खून पीने वाला जानवर भी कहा जाता है। 90 के दशक में इस जानवर का कहर पूरे अमेरिका में फैल चुका था। चुपा काबरा 3 से 4 फुट ऊंचा एक जानवर है, जिसका शरीर पे बाल नहीं है। इस जानवर की बड़ी बड़ी कई दांते हैं, जिसका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए करता है। कुछ लोगों का दावा किया जाता है कि ये जानवर इस पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि इंसानों पर हमला होने से पहले उस इलाकों में उड़न तस्करियों को देखी जा चुकी है। अभी इस जानवरों का ज्यादा कहर मणिपुर राज्य में है। लोग रात भर जाकर अपनी जानवरों की रक्षा करते हैं। लॉकनेक मॉन्स्टर। लॉकनेक मॉन्स्टर लॉकनेक झील में रहता है, जो स्कॉटलैंड में मौजूद है। अभी तक जितने भी लोग इसको देखने का वादा किया है, उसका कहना है कि इसकी एक लंबी गर्दन है। सबसे पहले इस जानवर को 1934 ईस्वी में देखा गया था। लॉकनेक मॉन्स्टर की कहानी दंत कथाओं में सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि पानी में छिपकर रहने वाला एक विशाल जीव है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये लुप्त हो चुके डायनासोर की प्रजाति है, लेकिन 1934 ईस्वी के बाद इस जानवर को अभी तक नहीं देखा गया है। हालांकि इस जीव के असल में होने का कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया है। फ्लैटवुड मॉन्स्टर। फ्लैटवुड मॉन्स्टर 12 सितंबर 1952 ईस्वी को वेस्ट वर्जीनिया में देखा गया था। ये मॉन्स्टर 10 फीट लंबा था और इसका चेहरा लाल था। फ्लैटवुड मॉन्स्टर की रचना पौराणिक किताबों में मिलती है, जो लोगों को मारकर खून पी जाता था। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिए। और आप इसी तरह से मिस्टीरियस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।